पटना से पटना एयरपोर्ट से अब एलजेपी दफ्तर पहुंच चुका है तमाम समर्थकों का काफिला। और ये देखिए यहाँ पर जब एलजेपी दफ्तर पहुंचे हैं पशुपति पारस, तो चिराग गुट वर्सेस पशुपति पारस गुट की तस्वीर यहाँ अब आपको नजर आ रही होगी। और देखिए कि किस तरीके से जो है वो दोनों ही गुटों के बीच अब झड़प जैसी स्थिति है। पुलिस को बीच में मामला जो है वो शांत कराना पड़ा है। और दूसरी तरफ आपको चिराग गुट के लोग दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए ये चिराग गुट के समर्थक आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए मैं जरा पोस्टर दिखाऊं, आपको पोस्टर दिखाऊं, काला झंडा काला कपड़ा काली पट्टी लेकर ये पोस्टर भी यहाँ पे गला दबा रही थी पुलिस भी, और हमको मारने का कोशिश किया गया जान से मारने। हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे कि हमको अंदर जाने दीजिए, हमको अंदर जाने दीजिए, पर किस तरह से हम लोग आप सर हम लोग शांति तरीका है हाथ जोड़ के कह रहे हम लोग को मिलने दीजिए, हाथ जोड़ते हैं। ये तस्वीर है यहाँ पर देखिए कि ये सभी चिराग समर्थक हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया है। ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल झड़प जैसी स्थिति आपको इस वक्त नजर आ रही है एलजेपी दफ्तर के बाहर, क्योंकि ये लोग कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस इन्हें भगा रही है यहाँ से। और जो तमाम पशुपति पारस के समर्थक है वो अंदर पहुंच चुके हैं एलजेपी दफ्तर के अंदर। और यहाँ पर जो है अब थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये तस्वीर एलजेपी दफ्तर के अंदर की, कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं लेकिन इस बीच किस तरीके से चिराग समर्थक जब पहुंचे तो उन्हें यहाँ से भगा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने काली पट्टी रखी थी हाथ में और साथ में एक बड़ा सा पोस्टर जिसमें आपने देखा कि गद्दार चाचा लिखा था। और ये अब जो है तमाम लोग समर्थक जो पहुंचे हुए, तो जो तस्वीर इमेजिन किया जा रहा था, जो तस्वीर की कल्पना की जा रही थी जिस तस्वीर की कि चाचा बदाम भतीजे की लड़ाई में समर्थकों के बीच भी झड़प हो सकती है, वैसे ही तस्वीर पटना कार्यालय एलजेपी कार्यालय के बाहर फिलहाल नजर आ रही है। सहयोगी विकास के साथ दृष्टि एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।